हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज़ को कमरे के कोने पर लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाना खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था और अपने में मस्त था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम यह क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग उसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।